सो फाइनली गाइस वी आर हियर टू आई ब्लू कैफे. ये है आपका कहाँ है छोटे चांदगर. कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लेंगे. ये मामू है, ये हम है, ये चाय पॉइंट है और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हैं. यहाँ पे खाना वगैरह मिलता है. ये भाई लोग है आए हैं, ये आई ब्लू कैफे हैं. ये पुन है, मामू है. हाँ भाई कैसा है कैफे? मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई. चुतिया है हम भी तुम हो हम नहीं 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 बड़ा भैया आई एम वॉइस वर्कर ब्रो. टेंशन करो ना. और हम इससे आए तो भाई लोग हमने आउटलेट पूरा देख देख के उसके बाद खाना वाना खा के हमने निकले दोबारा दूसरे आउटलेट के लिए. सो आप देखो गाइस इतना खतरनाक बुलेट का साउंड है और ऊपर से ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर देख पटाखा बन रहा है. तो गाइस ये देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइस पटाखा मार के. तो गाइस अभी खींचते हैं, बहुत तगड़ा वाला रोड अभी 8-9 किलोमीटर दूर है. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे अलग मात्र 3-4 मिनट, क्योंकि बहुत तेज़ खींच के जाने वाला हूँ और रात के अभी बज रहे 9:30. तो फिलहाल के लिए सीधा चलते हैं दूसरा आउटलेट पे और स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा. तो गाइस हमने बहुत सारे आउटलेट घूमा है तो सारे आउटलेट आप लोगों को एक साथ दिखाएंगे. सो अभी भाई लोग पीछे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कौन सा आउटलेट में पहले जाना है, कौन सा आउटलेट है. बहुत सारे 4-5 आउटलेट है तो आप लोगों को दिखाएंगे. वहाँ पे कॉफ़ी शॉप वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो आप लोग, डेट वगैरह कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे. और ये जो आउटलेट पीछे देख रहे हो तो ये पलाशी में था, पलाशी में छोटा जात घर. और दूसरा भी जा रहे हैं हम पलाशी में है, एक पगला चोड़नी में है, एक और एक दबोग्राम में है, बहुत सारे हैं. तो सब आप लोगों को सारे आउटलेट दिखाएंगे कहाँ कहाँ कौन से उसमें है, सारे चीज़ें आपको दिखाएंगे. और मेरे आँखों से देखो गाइस, साइड से देख पा रहे हो, मेरे आँखों से पूरा पानी आ चुका है, इतना तेज भगा रहा था. और भाई लोग बोल रहे थे भाई स्लो, बट मैं तो भाई तबाही भगा रहा था. देखो गाइस ये स्कॉर्पियो वाला मुझे रास्ता नहीं दे रहा था तो इसको थोड़ा सा कट मारने की कोशिश करता हूँ. जैसे कट मारने की कोशिश करने जाता हूँ और ये ऑटो वाला साइड से आ जाता है दोबारा, मैं सोचता हूँ कि अब ओवरटेक कर देता हूँ. ओवरटेक करने के लिए मैंने ओवरटेक मार के सीधा आ गया हाईवे पे. तो गाइस अभी मैं इतना तेज़ खींच रहा था तो मेरा हाथ पैर पर सुन हो चुका. तो भाई ने बोला थोड़ा सा धीमे करो, धीमे कर लिया उसने, ऊपर वाले का नाम ले लिया. फिर मैं बोलता हूँ चलो 3-2-1 दोबारा खींचते हैं स्पीड किस तरह. और गाइस ये साइड वाला जो मोबाइल रखने वाला ये गिर गया था, कहाँ मुझे पता नहीं. फिर देख रहा हूँ मैं, फिर मेरा पैर के नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठा लिया था. ये देखो कैसे गोल गोल घूम रहा है. हर बुलेट का स्पीड देखो 100, 110, 120 और रोड एकदम पूरा खुला है. रात के बज रहे 9:30 समझ रहे होंगे, सारे आधा रास्ता खाली है, वैसे भी सोमवार है. सो गाइस ये जो बुलेट है ना इसको सारा पूरा फुल मॉडिफिकेशन कराया हुआ है, इतना मस्त भागता, कोई टेंशन नहीं है, ऊबर खाबर सब हैंडल कर लेता है. बहुत गंदा हैंडलिंग है इसका. और भाई साहब गाइस मज़ा ही आ गया एकदम खींच गाइस. सामने पुलिस था मैं देखा तो इसलिए थोड़ा सा स्लो करा. दोबारा खींचते हैं और सीधा पहुँचते हैं आउटलेट में. भाई ये लेफ्ट वाला जो है मोबाइल रखने वाला है वो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पिन मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है. भाई क्या बताऊँ यार, इतना मज़ा आ रहा था ना गाइस, इतना मज़ा आ रहा था तो बताओ, पूछो मत. देखो आप देख सकते हो भाई कट मारने में जो फीलिंग है ना भाई, वो तो कदे ही सिर्फ राइडर ही समझ सकता है, एक राइडर तो ही समझ सकता है कट मारने में जो फीलिंग है ना गाइस. और ऊपर से मैं ये वीडियो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बिकॉज गाड़ी का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और इसमें माइक वगैरह गोप्रो वगैरह कुछ डिसाइड नहीं. तब बिना हेलमेट का था मैं, ऐसा तीनों हम तीन थे विदाउट हेलमेट का. तो सब जो भी बाइक ड्राइव कर रहे हो सेफ राइड करना. हमने तो थोड़ा सा यार हाइक में आके राइड कर दिया और बाई चांस हम बच भी गए, सब कुछ हुआ नहीं. 120 तक टच होता है उसके बाद ज़्यादा नहीं निकले बट एक प्रॉब्लम 120-125. भाई
मज़ा ही आ गया राइड करके। आपको बताओ क्या इतना फीलिंग, गंदा फीलिंग आ रहा था एकदम। भाई पूरा खींच दिया और हम आ चुके हैं आउटलेट के सामने, तो मैंने स्लो कर दिया बाइक को थोड़ा सा और रह रहा है। मैं अभी फिलहाल हमने लिए आउटलेट पहुंचने के लिए 5 मिनट, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया और थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको पहुंचने में। बट मैं अभी लगातार खींच रहा हूँ 100 100 100 100 120 120, कहीं पर रुका नहीं। टॉप स्पीड देखा भाई, ब्रदर टॉप स्पीड देखो भाई, चलो ना भाई, सामने सामने कैब सामने है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, और एक कैब है मेरे मतलब रेस्टोरेंट है, तो हम जा रहे हैं वहां पे, रुक जाओ सामने। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आउटलेट में। सो गाइस फाइनली हियर टू दिस आउटलेट, इसका नाम है अड्डा। इस आउटलेट का नाम है अड्डा। यहाँ पे लवर्स पॉइंट भी है, सब कुछ है यहाँ पे, चाय वगैरह पी सकते हो यहाँ पर, खाना तंदूरी रोटी चिकन, चिकन पनीर, चिकन टिक्का मसाला, सब कुछ ए टू जेड मिलता है यहाँ पे, जो खाना है सब कुछ मिलता है। ये मेरा जो दोस्त है बांध से हमारा, और बहुत ही मस्त बना है ये। मैं हूँ, कम्प्लीट से उतर गया और चलो सीधा चलते अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं। आई लव अड्डा। अड्डा क्या फिर लवर पॉइंट, यहाँ पे सब लवर सिलो वगैरह सब कुछ यहाँ पे डेट वगैरह करते हैं, जिन्हें लगने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है, पूरा बाहर अंदर पूरा ठंडा है। सो वहाँ से आउटलेट से निकल के दूसरा आउटलेट के लिए निकल चुके हैं हम लोग, ब्यूट लेके दोबारा, और दोबारा हुई स्पीड जो था 100 120 110 120 120। वहाँ से 5 किलोमीटर में है अपना दूसरा आउटलेट, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी निकलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम था, 10 बजे घर पहुँचना था। सो एक घंटे के अंदर हम 5 आउटलेट्स घुमाएँ, 20 मिनट दिए एक एक आउटलेट, एक चाय पिए और निकल गए। सो गाइस पहुंचने वाले हम दूसरा आउटलेट पे। सो ये वाला आउटलेट का नाम है आई लव ठेका। आउटलेट का नाम है हमारे ठेका। सो ये मैं हूँ, अभी पहुंच चुका हूँ हमारे ठेका पे। सो बंगाली है, बंगाली आउटलेट है, तो आई लव हमारे ठेका। ये देखो गाइस दूसरा आउटलेट पे पहुंच चुका है, इसका नाम कुछ अलग है। वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। ये दूसरा आउटलेट है, वो आउटलेट देखे, ये आउटलेट देखे, इसका नाम कुछ अलग है, इसका नाम क्या है देखना पड़ेगा। ये देखो गाइस ये मस्त जगह है, एकदम मस्त व्यू है ये वाला तीसरा आउटलेट में, इतना मस्त व्यू है। यहाँ पर भी हम चाय वाय पिए, निकल गए यहाँ से चाय वाय पी के। थोड़ा सा शाहरुख खान का पोज वगैरह दे देता हूँ। दोबारा करने के लिए तो दोबारा करते हैं। शाहरुख खान का पोज दे दिया और मैं यहाँ से सीधा टाटा बाय बाय करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। हमारे पास टाइम बहुत कम था, दूसरा आउटलेट में भी जाना है, और ये यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। एक फोटो। सो ये है आई लव पलाशी।